हाँ, बच्चों को देख के तो आई थिंक एवरीबडी इज एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक. दे आर मीन्स एस्पिरेंट ऑफ एपीसीएस. तो मैंने उनको बता दिया आपको तो बस पढ़ना है पढ़ना है, क्योंकि जो शेड्यूल रूटीन बढ़िया बना के जो सुबह 4 बजे से जो शाम तक जो डेली का डेली आप पढ़ेंगे तो तब आप पूरा का टेक्स्ट डाइजेस्ट करेंगे. डाइजेस्ट करेंगे तो जब एग्ज़ाम के हॉल में आप जो है वॉमिट आउट करेंगे. तो जो जितना वॉमिट आउट करेगा, क्योंकि आप जितना उस डाइजेस्ट करेंगे उतना ही वॉमिट आउट होगा, और जितना भी स्कोरिंग है और रिटेन से ही है. और सर, जैसे कि आप ये इंस्टीट्यूट में आए हैं, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं, मालूम नहीं, क्योंकि वो कुछ 6-7 साल पहले मेरा बेटा इसमें जो केमिस्ट्री में क्लास 9-10 का वो कोचिंग के लिए यहाँ वो मेरा बेटा आता था, तो उस टाइम से मुझे बीबी सिंह का वो पहचान है. तो ये एपीसीएस का ये कोचिंग भी यहाँ चल रहा है बोल के मुझे खास इतना भी मतलब पहले तो ज्ञान नहीं था, लेकिन पहले थोड़ा देखा था थोड़ा मीडिया में कि यहाँ मतलब एपीसीएस का भी कोचिंग करते हैं बोल के. तो अभी आके तो लगा बच्चा लोग थोड़ा वो लोग ये कॉन्फिडेंट है, मेहनत करने के लिए वो लोग थोड़ा डिटरमाइन है. तो मैंने उनको कह दिया कि आप जो भी है टेक्स्ट से है, टेक्स्ट को पढ़िए, समझिए, डाइजेस्ट कीजिए, तो जो भी मिलेगा आपको उसी से मिलेगा. तो ये गाइडेंस मैंने बता दिया. आप कब से यहाँ पे जो कोचिंग ले रहे हैं? फ्रॉम 5 जुलाई. तो कैसा हो रहा है आपका एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? Yeah, the teachers are very good. I like the teaching. It's understandable and the way they teach, it's explained. They connect with the students. We can connect with teachers. कौन सा एग्जाम्स का aspirant? I'm preparing for the state syllabus. आप क्या के लिए यहाँ पे कोचिंग? APCS के लिए, GS का. जी, कब से ले रहे हैं? 1 month हो गया. कैसा लग रहा है आपका, कैसा एक्सपीरियंस? अभी तक तो ज्योग्राफी के है फिलहाल, तो सर बहुत अच्छा पढ़ा था ज्योग्राफी का. अच्छा, एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन? मैम अभी APSCC के लिए दे रहा है, और जस्ट आया अभी, 1 महीना हुआ देने. कैसा लग रहा है आपका, फैकल्टीज मेंबर्स कैसे? ठीक ही, अभी तो हिस्ट्री सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा है, तो हिस्ट्री का सर हम तो जितना पढ़ा है अभी जितना तक सर से पढ़ा है, हिस्ट्री का सिवेन सर है, अच्छा से पढ़ा रहे, वही है. ये इंस्टीट्यूट आपने क्यों चुना? सुना था कहीं से या फिर इसका रिकॉर्ड? हम यहाँ लाइक 3 साल पहले इससे मैं भी यहाँ कोचिंग लिया था, IBA में लिया था, तो उसी के चलते आया. दूसरा भी है पर ये थोड़ा पास भी पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कन्वीनियंट है, इसलिए आ गया. का फैकल्टीज ठीक है, अच्छा पढ़ाता है, बहुत एक्सपीरियंस. ये इंस्टीट्यूट क्यों चुना? ये इंस्टीट्यूट पहले डेमो क्लास होता है हर जगह में ना, तो डेमो क्लास अटेंड किया, तो अटेंड करने के बाद ये सबसे अच्छा लगा, इसलिए यहाँ चुना. अब क्या के लिए एग्जाम, कौन सा एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन? स्टेट PCS के लिए. ये इंस्टीट्यूट हम लोगों ने 2003 में खोला था. इसके चेयरमैन TK पोपट, उस वक्त वो लोग इंग्लिश पढ़ाते थे सर. इसका नाम था उस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक इंग्लिश. लेकिन 2005 से हम लोगों ने इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी शुरुआत किया, और 2008 के बाद सिविल सर्विस के लिए भी हम लोगों ने शुरुआत किया. और तब से लेकर अभी तक अगर 2010, 2012, 2014 और लास्ट बैच जो 2020 का जो लास्ट ईयर 2021 में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मोर देन 50% रिजल्ट लगभग फाइनल में रहा है हम लोगों का. तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है. उसी तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग सेक्शन में भी हमेशा अच्छा गुड मतलब रिकॉर्ड रहा है इंस्टीट्यूशन का अभी तक. हम लोग के यहाँ मेनली जो है क्लास 11-12 बच्चों का साइंस का, इंट्रेंस का, इंजीनियरिंग का, उसके बाद में सिविल सर्विस, खासकर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम के लिए हम लोग करवाते हैं. इसका भी आपको 3 मोड में हम लोग करवाते हैं. पहला मोड है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, जो जनरली 4 महीने का कोर्स होता है. उसका नेक्स्ट जो स्टेप होता है मेंस के लिए, वो लगभग 5 महीने का कोर्स होता है, और उसमें इंटरव्यू का भी हम लोग प्रोग्राम करवाते हैं, जैसे आज हुआ. जी, आज एक्चुअली बहुत पहले से स्टूडेंट लोगों का डिमांड था ऐसे कि यहाँ पर कुछ मैगजीन नहीं है जो करंट अफेयर्स को कवर करता हो, नेशनल लेवल का भी और नेशनल लेवल का भी, चाहे जी जी जी. तो हम लोगों ने ये पहली बार, ये ऐसे तो मतलब हम लोग बना रहे थे और PDF सिस्टम में प्रोवाइड कर रहे थे,
लेकिन इस बार से हम लोगों ने सोचा है कि इसको फॉर्मली इसको मतलब फॉर्मेट देकर और हार्ड कॉपी में पेश करेंगे। प्रीवियस कुछ सालों से हम ये रियलाइज़ कर रहे थे कि बच्चे ठगे जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, खासकर ईटानगर में, क्योंकि इतना इंस्टीट्यूशन मशरूमिंग हो रहा है। हर कोचिंग सेंटर पर देखिए तो APPCS, और मैं ये समझता हूँ कि आधे लोगों को, वहाँ के लोगों को ही पता नहीं है कि APPCS का फुल फॉर्म भी क्या होता है। तो बच्चे होते हैं, जाते हैं, पैसा दे देते हैं, और फिर पता चलता है कि फैकल्टी जो है एक ही फैकल्टी पांचों सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसको खुद ही कुछ नहीं आता है, तो बच्चे ठगे जा रहे हैं। हमको ऐसे महसूस हुआ तो हमने अपने यहाँ एक नया कल्चर डेवलप किया है कि आप आइए, चार दिन हमारे यहाँ डेमो क्लास कीजिए, चार दिन का क्लास है। अगर आप सेटिस्फाई होते हो, फुली सेटिस्फाई होते हो कि हाँ हमारे लायक ये ठीक है, कोई यहाँ पर ये नहीं फ्रॉडिंग नहीं हो रही है, तो चार दिन के बाद आप पाँचवा दिन हमारे यहाँ एडमिशन कीजिए। डेमो क्लास मतलब बिल्कुल बिल्कुल फ्री में डेमो क्लास हम लोग करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का चीज़ है, इसलिए मेरे यहाँ मतलब डरने का कोई ये नहीं है, और शुरू में जैसा होगा वैसे लास्ट तक चलते रहेगा।